जम्मू कश्मीर की राजौरी अनंतनाग सीट पर छठे चरण में वोटिंग जारी है। इस बीच यहां से पीडीपी प्रत्याशी और पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती ने स्थानीय प्रशासन पर गंभीर आरोप लगा दिया है। उनका कहना है कि 1987 वाली धांधली को फिर दोहराने की साजिश रची जा रही है। यहां तक कहा गया है कि उनके वोटरों और पार्टी कार्यकर्ताओं को कैद कर लिया गया है। इस समय मुफ्ती धरने पर बैठ चुकी हैं और लगातार गंभीर आरोप लगा रही हैं। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि राजौरी अनंतनाग सीट पर वोटिंग में धांधली की जा रही है। 1987 जैसी धांधली को फिर दोहराने की साजिश रची जा रही है। उनके मुताबिक उनके वोटरों को बंद कर दिया गया है, कोई वोटिंग नहीं कर पा रहा। पूर्व सीएम ने दो टूक बोला कि इतना डर था तो मैं चुनाव ही नहीं लड़ती। अब ये कोई पहली बार नहीं है जब इस तरह के आरोप लगे हों। घाटी में जब भी चुनावी रण देखने को मिला है, इस प्रकार के धांधली के आरोप सामने आते रहते हैं। लड़कों को छोड़ दीजिए, हमारे लड़कों को छोड़ दीजिए, आप हमारे लड़कों को छोड़ दीजिए, उसको वोट डालना है, हमारे लड़कों को छोड़ दो, वोट डालना है। आप खुद रही है, तभी तो मैं जाऊँ, क्यों कानून मैंने लॉक किया हुआ है, हमारे लड़के क्यों बेगुनाह हैं? आप वही छोड़ दो, 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 हम तुम्हारे साथ हैं, महबूबा जी कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं, जेल का बंदा, वोट से, 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 बीबी बंदर को छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो, महबूबा जी कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं, महबूबा जी कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। वैसे इस बार जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र के इस महापर्व के लिए बेहतरीन उत्साह देखने को मिला है। कई सालों का रिकॉर्ड टूट चुका है, भारी मात्रा में वोटिंग देखने को मिल रही है। जहां पहले 15% मतदान भी मुश्किल से होता था, तब 40% से ज्यादा वोटिंग दर्ज की जा रही है। चुनाव आयोग तो इस परिवर्तन से खुश है ही, तमाम पार्टियां भी अपनी जीत के दावे कर रही हैं।